जानार तुझको दूर नगरिया पाप बाँच से भर ली कठरिया पाप बाँच से भर ली कठरिया जानार तुझको दूर नगरिया जानार तुझको दूर नगरिया जैसा करेगा वैसा भरेगा जैसा करेगा वैसा भरेगा कोई ना साथ निभाएगा तो नाम सिमर मत सोए रहो तो नाम सिमर मत सोए रहो मन अंत समय पछताएगा जब चिड़ियों ने चुग के लिया जब चिड़ियों ने चुग के लिया फिर हाथ के छूना आएगा नाम सिमर मत सोए रहो हमारा प्रिय बेटा गौतम अपने चाचा और सभी भाइयों के साथ यहाँ उपस्थित है। प्रिय बेटी हमारी स्वाति, हमारा प्रिय दामाद विकास धवल, नान के दाद के सभी यहाँ उपस्थित है। जन्म जीवन और मृत्यु ये तीन चीजें हैं मेरे और आप सबके जीवन में, जन्म जीवन और मृत्यु। शायद आपके प्रिय दो शब्द उन तक पहुंचेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसी भावना से मैं आपको यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर, आई एज अ फ्रेंड विल चेरिश द स्वीट मेमोरीज that we made together and some sweet times we spent together. I hope I'm not taking too much of time, but I would like to read something that my great friend Shaheen and Rosie's great friend has written. So kindly bear with me. Tu pyari roop paath hasti thi, tu pyari roop paath hasti thi, हमारे जहन और दिल में बस्त थी। सफर में जीत की अक्सर तबीयत राख पर चराग बन के खुद
पे हल्की की। तमाम वसवसे आए तुम्हारी राह में, तमाम वसवसे आए तुम्हारी राह में, तमाम उलझनों ने तुझको घेर रखा था, मगर तू सब और तहमुल से जिंदगी के तवील राह पर गमों की सख्त घटाओं के तले धूप से छांव से गुजरते रहे, मुंह से उफ तक नहीं करे और अपने नाजुके गम को सहते रहे। मोहब्बतों का एक दरिया था तेरे दामन में, मोहब्बतों का एक दरिया था तेरे दामन में, जो चाहतों का समुद्र था तेरी आंखों में। आखिरी वक्त आखिरी शब्द में लफ्ज कोई नहीं जुबा पर था, जर्द आंखों में रोजी तेरी दर्द था और सिर्फ दुआएं थी। अरे भाई अनिल जी, हमारे पूज्य पिताजी श्री मोहला जी और दो बच्चों ने जो माता की सेवा की है वो एक प्रकार की अनूठी सेवा है। दिन रात जिस प्रकार से दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, नींद नहीं देखी, पानी नहीं देखा, सब प्रकार की सेवा की, ऐसा परिवार मैं मानता हूँ कि सबको मिले। जीवन तो आना जाना रहता है, परंतु इस प्रकार की सेवाएं जिनको मिलती हैं वो वास्तव में धन्य है, ऐसा मेरा मानना है। आज के इस लोकसभा को मैं शोक सभा नहीं कहता, मैं तो श्रद्धांजलि सभा कहता हूँ। आपका धन्य प्यार हम पर सब पर बरसा है, मैं परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कुछ संस्थाओं की ओर से शोक संदेश आए हैं, उनका नाम केवल पढ़ूंगा। जिस परिसर में आप बैठे हैं, श्री नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट, भारत विकास परिषद विकलांग सहायता केंद्र, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सौ सिटी की है, सौ सिटी का डी ब्लॉक एसोसिएशन की ओर से, अगर नगर किट्टी सदस्यों की ओर से, श्री शिव साई संध्या समिति की ओर से ऐसे शोक संदेश आए हैं। मैं इन संस्थाओं का भी हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक नमन व्यक्त जरूर करूँगा कि आप सब आए, हमारा परिवार आपके साथ जुड़ा है, आप हमारे साथ सदैव बने रहेंगे, इस आशा के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक प्रार्थना जरूर करूँगा कि अगली बार आप सब लोग एक चाय का कप लेकर के हमारा साथ दें। और मैं पूज्य पंडित जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रार्थना के साथ आरती के साथ इस सभा को विसर्जन करने की आज्ञा दें। Oh,
जाना रे तुझको दूर नगरिया, पाप पांच से भर ली कठरिया, पाप पांच से भर ली कठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई ना साथ निभाएगा। नाम सिमर मत सोए रहो, नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। जब चिड़ियों ने चुग के लिया, जब चिड़ियों ने चुग के लिया, फिर हाथ कछुना आएगा। नाम सिमर मत सोए रहो, नाम सिमर मत सोए रहो। प्रभु नाम का सहारा है, हमारे शास्त्रों में अनेकों जगह वर्णन है कि जो परमात्मा का सहारा लेकर उसको हर समय याद रखता है, उसकी हर दुख हमेशा पार हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर जाता है। इस जीवात्मा की क्या गति है, जो चला गया वो कभी दोबारा उसी रूप में हमें उसके दर्शन ना हुए। इसलिए ये सारी संसार की जितने भी साधन है, जितने भी पदार्थ रचे हैं भगवान ने, इस जीवात्मा के लिए ही बनाए हैं। लेकिन फिर भी एक न एक दिन ये सारे पदार्थों को छोड़ करके जीव निकल जाता है। इसलिए एक गीत के रूप में ये प्रयास किया गया है कि इस आत्मा की क्या गति है, कैसे कैसे इस दुनिया को परमात्मा ने बनाया है, जीवात्मा कैसे आता है, कहाँ चला जाता है, हमें पता ही नहीं होता। और देखते ही देखते हमारे हाथों में कई अपने शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। आइए एक गीत है, आप सुनेंगे।
कहाँ लौट जाओ कि किस रूप में किस अवस्था में जीवात्मा होता है जाता है। और कहते हैं कि जो माँ है जो स्त्री को बनाया है परमात्मा ने उसके अंदर एक ऐसी ममता है एक ऐसा वात्सल्य है एक ऐसी बच्चों के प्रति अपने संतान के प्रति जो करुणा है वो सब कोई भी व्यक्ति जब जाता है तो कोई संदेश या कोई कुछ बता के नहीं जाता है अचानक ही जीव निकल जाता है। एक गीत है श्रद्धा श्रद्धांजलि के रूप में उस आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा के भाव लिए हुए उस गीत को आपके सामने बोलने लगा हूं। जहां तुम चले चिट्ठी न कोई संदेश जाने चाहे तीनों रूपों में तो अगर कोई अपने माँ के चरणों को स्पर्श कर लेता है तो उन तीनों रूप परमात्मा के स्मरण हो जाते हैं। कहते हैं कि
ब्रह्मा जी जो इस संसार की, लेकिन हमें नहीं पता, हमने ब्रह्मा के दर्शन नहीं किए, लेकिन और कहते हैं विष्णु जी संसार का पालन करते हैं, करते होंगे, लेकिन हमने देखा नहीं है। लेकिन शिव इस संसार का कल्याण करते हैं, दुखों का हरण करते हैं, करते होंगे, लेकिन हमने आज तक देखा नहीं है। लेकिन हमारी माँ हमारे दुखों को दूर करती है, ये हमने देखा। तो इसलिए माँ की गरिमा, माँ पर जो प्यार है, अपना अनोखा है, निस्वार्थ है, सदा समय अर्पित करते हुए आपके सामने रख रहा हूँ। अपने चाचा और सभी भाइयों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। प्रिय बेटी हमारी स्वाति, हमारा प्रिय दामाद विकास धवन, नान के दाद के सभी यहाँ उपस्थित हैं। जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीन चीजें हैं मेरे और आप सबके जीवन में। जन्म,
जीवन और मृत्यु। मेरा जन्म कब होना है, कहाँ होना है, किन परिस्थितियों में होना है, किस स्थान पे होना है, किस समय होना है, किस परिवार के साथ मेरा संबंध जुड़ना है, ये मुझे पता नहीं, ये किसी को पता नहीं, ये हमें पता नहीं। जन्म हो जाता है तो जीवन शुरू हो जाता है, और जीवन भी जैसा मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन ऐसा हो, मेरे जीवन में ये परिस्थितियां हो, वो भी मेरे अधीन है। एक दिन पूर्व मैं उनको मिलने गया, ईश्वर का बड़ा विचित्र विधान है। उससे पूर्व संध्या पर रात्रि ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वो उनके निमित्त मोक्ष के लिए जो पाठ रखा गया है, लेकिन नहीं, जाने से एक दिन पूर्व गया मैंने उनका हाथ लिया। ये प्रार्थना करते हुए हमने यज्ञ की पूर्णाहुति डाली और एक घंटे के बाद वो हमारे जमीन से चले गए, उसकी प्रतीक्षा कर। ऐसी पवित्र आत्मा के निमित्त आज यहाँ पर आप सभी उपस्थित हैं। शास्त्री जी आचार्य भी कह रहे थे माँ मठंडिया छाऊ, ये दोनों बच्चे उन्होंने गड़ गड़ करके श्रद्धा पूर्वक बनाया है, धर्म से जोड़ा है, वो एक अच्छी बेटी माँ बैठी हुई है, रोजी जी की माता जी अभी बैठे हुए, उसे कैसे मिले हैं, क्या कहें आपको, ये समझ नहीं आ रहा। 10 दिन से एक अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी गृहिणी, सद्गृहिणी आज हमारे बीच में नहीं। मेरे मन कुछ और है, वेदना के मन कुछ और, जैसा मैंने कहा कि जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीनों मेरे अधीन नहीं है, हमारे किसी के अधीन नहीं, ये परम पिता परमात्मा के अधीन है। और हम सभी थापर परिवार हमारे एक ही प्रार्थना कर रहा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रचना, प्रभु हम आपकी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, जन्म दिया, जीवन दिया, और आपने ही अपने पास बुला लिया है, हमारा कोई जोर नहीं। मैंने परिवार से, परि भाई जी से वचन लिया और दिया है कि हम ठीक समय पर इस कार्यक्रम को पूरी व्यवस्था के अनुसार भोग डाल देंगे। मन बहुत भरा हुआ है, लेकिन मन कच्चा भी है और मन विचलित भी है। जिस परिस्थिति में वो हमको छोड़ करके गए हैं, वो हर व्यक्ति जो स्थापन परिवार के साथ जुड़ा है, वो व्यथित है, दुख में है, कष्ट में है, लेकिन आप सबकी उपस्थिति इन बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए और उस पवित्र आत्मा के लिए जो आरती के रूप में अभी सभी श्रद्धा सुना अर्पित करेंगे, आप वह पूर्ण करेंगे। शायद आपके प्रिय दो शब्द उन तक पहुंचेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसी भावना से मैं आपको यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर छाया, मैं रोजी को पिछले 21 साल से जानता हूँ, कोई रिश्ता नहीं था, बस प्यार और दोस्ती थी, जो शायद रिश्ते से कहीं ज्यादा नहीं होती। मैंने रोजी से बहुत कुछ सीखा, जबकि उम्र में 19 से छोटी थी। एंड माय आईज टू गॉट फिल्ड अप ऑल्दो आई वाज अ डॉक्टर। रोजी, I called her Rose by her trial, I talked to her on phone, remained a pillar of strength for her family and friends, never ever giving up. She was a true fighter, but superficially absolutely calm, composed,
and never ever complaining. It was her strength and courage that encouraged people around her to move ahead. There was a great dignity in her conduct during her difficult times in her life. Whether it was her illness or family conflicts and family problems. People may not believe, but as a friend I know, she never cried all through these years. She never showed her bitterness and pain. Whenever I asked her about her well-being, the answer always would be, I'm fine ma'am, but what is it missing? If she talked about her family problems, she never ever used bitter or bad language for anyone in the family, for all. I, as a friend, will cherish the sweet memories that we made together and some sweet times we spent together. I hope I'm not taking too much of time, but I would like to read something that my great friend Shaheen and Rosie's great friend has written. So kindly bear with me. Tu pyari rooh paak hasti thi. Tu pyari rooh paak hasti thi. Hamare zehen aur dil mein bast thi. सफर में जीत की अक्सर तबील राह पर चराग बन के खुद पिघलती थी। तमाम वसवसे आए तुम्हारी राह में, तमाम वसवसे आए तुम्हारी राह में, तमाम उलझनों ने तुझको किए रखा था, मगर तू सब और तहमुल से जिंदगी के तबील राह पर गमों की सख्त घटाओं के तले धूप से छांव से गुजरती रही, मुंह से उफ तक नहीं करी और अपने नाजुके गम को सहती रही। मोहब्बतों का एक दरिया था तेरे दामन में, मोहब्बतों का एक दरिया था तेरे दामन में, जो चाहतों का समुद्र था तेरी आंखों में। आखिरी वक्त आखिरी शब्द में लफ्ज कोई नहीं जुबा पर था, जर्द आंखों में रोजी तेरी दर्द था और सिर्फ दुआएं थी। मंच पर विराजमान पूज्य शास्त्री जी इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, पूज्य शास्त्री जी और डॉक्टर शाह जी ने हमारी बहन रोजी के बारे में आपके सामने जो बातें रखी हैं, वास्तव में जीवन की सच्चाई मैंने अपने आंखों से देखी है। और वो सच्चाई कैसे बयान करूँ, मेरी जवाब पर वो शब्द नहीं आ पा रहे कि किस प्रकार से उनका स्नेह हम पर बरसा है, मैं वो व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे भाई अनिल जी, हमारे पूज्य पिताजी श्री मोहनलाल जी और दो बच्चों ने जो माता की सेवा की है, वो एक प्रकार की अनूठी सेवा है। दिन रात जिस प्रकार से दिन नहीं देखा, रात ही देखी, नींद नहीं देखी, पानी नहीं देखा, सब प्रकार की सेवा की, ऐसा परिवार मैं मानता हूँ कि सबको मिले। जीवन तो आना जाना रहता है, परंतु इस प्रकार की सेवाएं जिनको मिलती हैं वो वास्तव में धन्य है, ऐसा मेरा मानना है। आज की इस लोकसभा को मैं शोक सभा नहीं कहता, मैं तो श्रद्धांजलि सभा कहता हूँ। आपका धन्य प्यार हम पर सब पर बरसा है, मैं परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कुछ संस्थाओं की ओर से शोक संदेश आए हैं, उनका नाम केवल पढ़ूंगा। जिस परिसर में आप बैठे हैं, श्री नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट, भारत विकास परिषद विकलांग सहायता केंद्र, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सौ सिटी की है, सौ सिटी वेस्ट डी ब्लॉक एसोसिएशन की ओर से, अगर नगर पिट्टी सदस्य की ओर से, श्री शिव साई संध्या समिति की ओर से ऐसे शोक संदेश आए हैं। मैं इन संस्थाओं का भी हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक नमन निवेदन जरूर करूँगा कि आप सब आए, हमारा परिवार आपके साथ जुड़ा है, आप हमारे साथ सदैव बने रहेंगे, इस आशा के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि जाती बार आप सब लोग एक
चाय का कप लेकर के हमारा साथ दें और मैं पूज्य पंडित जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रार्थना के साथ आरती के साथ इस सभा को प्रसन्न करने की आज्ञा दें। Sure.